जीटीएन 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मेरा नेता मेरी सरकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशुतोष कुरेश्वी और आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। आज जीपीएन 7 की टीम पहुंची है अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के नौगांव विधानसभा क्षेत्र में। आज हमारे साथ मौजूद हैं यहां के लोग, यहां के मतदाता। आपको बताते चले कि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से सक्रिय और सतर्क हो चुके हैं। 2024 में देश में चुनावी माहौल होगा और हमारे देश की जनता को अपना सबसे बड़ा अधिकार, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। मौका मिलेगा अपनी सरकार बनाने का, मौका मिलेगा अपनी सरकार बदलने का। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे देश के संविधान में उल्लेखित है, जनता द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार। जी हां, जनता को अपनी नई सरकार का गठन करना है। इस बार एनडीए बाजी मारेगा या फिर इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार बनेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वक्त भी बताएगा और ये तय करेगी हमारे देश की आवाम, ये तय करेगी हमारे देश की जनता जनार्दन। बात करेंगे आज अमरोहा लोकसभा क्षेत्र की, बात करेंगे आज उस क्षेत्र की जो गंगा किनारे जनपद अमरोहा जिला बसा हुआ है। इस जिले की अमरोहा लोकसभा सीट में 5 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें अमरोहा विधानसभा, नौगांव विधानसभा, हसनपुर विधानसभा, धनौरा विधानसभा और गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा। अगर यहां के मतदाताओं की बात करें तो यहां पर 16 लाख से अधिक मतदाता अपने एमपी का चयन करते हैं वोट के द्वारा। और अगर बात करें यहां के, अगर 2019 में हुए लोकसभा चुनाव की बात करें और यहां के सीटेड एमपी की बात करें, तो यह सीट बसपा के दानिश अली यहां से जीते थे और उनको 6,01,082 वोट मिले थे 2019 के लोकसभा चुनाव में। अगर इनके विरोधी पार्टी की बात करें, इनके प्रतिद्वंदी प्रत्याशी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की बात करें, तो यहां से 2019 में लोकसभा प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के कंवर सिंह तंवर, जिनको, जो कि दूसरे नंबर पर रहे थे, और उनको 5,37,834 वोट मिले थे और बहुजन यहां से कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी। बहरहाल, क्योंकि अब देश में फिर से चुनावी माहौल है, 2024 में चुनाव होने वाले हैं और किसकी सरकार बनेगी। वैसे तो आपको बता दें कि एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी 365 प्लस सीटें लाने का दावा कर रही है। लेकिन आपको बताता चलूं, गठबंधन और एनडीए दावे अपने जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनके दावों में कितना दम है, उसका दम और खम यहां की जनता ही दिखाएगी, क्योंकि जनता के बदौलत ही कोई भी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। आपको बताता चलूं, केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता है और इस वक्त हम लोग यूपी की अमरोहा लोकसभा सीट में हैं और यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं। बहरहाल, बात करेंगे अमरोहा लोकसभा सीट की। यहां से वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी के सीटेड एमएलए हैं कुंवर दानिश अली और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं नौगांवा विधानसभा क्षेत्र के हाशमपुर गांव में, जो कि जाट लैंड से जाना जाता है। यहां जानेंगे यहां पर चुनावी माहौल क्या है, क्या इस बार फिर से बहुजन समाज पार्टी के सांसद पर यहां की जनता विश्वास जताएगी या फिर अपना सांसद इस बार यहां से बदलने जा रही है। शुरू करेंगे यहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। जी, आपका नाम? राजपाल सिंह। राजपाल सैनी जी, राजपाल जी, 2024 में अगले साल लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, हर पार्टी हर दल पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा कर रहा है कि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी, किसकी सरकार बेहतर रहेगी आपके लिए? हमें तो बीजेपी की सरकार सही है अभी तक। भाजपा की सरकार क्यों? भ्रष्टाचार कम हुआ है, गुंडागर्दी कम हुई है, यही चीजें हैं और क्या। लेकिन इंडिया गठबंधन भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा कर रहा है, वो आरोप लगा रहा है कि ना तो जनता को रोजगार मिला है, महंगाई बढ़ गई है, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाया है, क्या ये सच है? रोजगार तो सब ऐसा ही दे रहे हैं, जैसा पहले मिला ऐसा ही मिल गया, रोजगार तो बढ़ा ही ना। और हम तो पहले क्षेत्रीय आदमी को तवज्जो देंगे जो हमारे क्षेत्र का होगा, क्षेत्र का प्रत्याशी होना चाहिए। हाँ। अगर ये बताइए, अगर भाजपा ने भी और गठबंधन ने भी यहाँ का क्षेत्र प्रत्याशी को अपना प्रत्याशी नहीं बनाया तो क्या करेंगे आप ऐसे में? तो हम तो विरोध करेंगे उसका, विरोध करेंगे। देखिए, जैसा कि उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय प्रत्याशी यहां पर होना चाहिए, एक बार मैं आपको बता दूं कि यहां अब यहीं पर नहीं, अमरोहा लोकसभा क्षेत्र ही नहीं, भारत के हर कोने में और उत्तर प्रदेश के हर सीट पर यही लोगों की मांग है कि हमारा सांसद, हमारा नेता, हमारा जनप्रतिनिधि, हमारा एमएलए, हमारा विधायक हमारे क्षेत्र का होना चाहिए, लोकल का होना चाहिए। अब ये मांग उठने लगी है। अब देखना यह होगा
कि जनता की इस तेज होती हुई मांग को राजनीतिक दल कितनी गंभीरता से लेते हैं। आपको बताता चलूं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए अब पार्टियों को प्रत्याशी चयन करने में बेहद सतर्कता बरतनी होगी, वरना परिणाम भयावह हो सकते हैं, घातक सिद्ध हो सकते हैं राजनीतिक दलों के लिए। जी, आपका नाम? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार जी, लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं 2024 में, भाजपा या फिर गठबंधन? आरएलडी। आरएलडी में आप गठबंधन के साथ जाना चाहेंगे? गठबंधन की सरकार क्यों? हम गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे, आरएलडी के साथ जाएंगे। आरएलडी के साथ क्यों? वो हमारी पुरानी पार्टी है। और भी तो विकल्प है आपके पास, सपा है, गठबंधन है, कांग्रेस है, भाजपा है। हमारी पुरानी पार्टी है, उसके साथ जाएंगे। लेकिन चाचा तो कह रहे थे कि भाजपा बहुत अच्छा काम कर रही है। पूरे गांव में वोट 1% गिरता है दूसरी पार्टी को, यानी दूसरा आरएलडी को गिरता है। आरएलडी को जाता है? आरएलडी को क्यों जाता है? आरएलडी को क्यों जाता है? मुंह उसकी लड़ाई मुश्किल लड़ाई है। अच्छा, मुंह की क्या लड़ाई है आपकी? मुंह की लड़ाई है जो हमारे चौधरी है। तो भाजपा को वोट क्यों नहीं करेंगे आप? नहीं करेंगे। वजह? वजह क्यों? उन्हें जो वादा करें पूरे काम कौन से क्या वादे किए थे? उन्होंने कई सम्मान जो है हमारे गांव के 100 आदमियों को सम्मान दी ना। किसे दी? जिसके पैसे खा लिए उन्हें पटवारी ने, उसके सम्मान दी दे दी। उन्होंने जो ब्लॉक में उन्हें पैसे दे दिए उसके सम्मान दिया, आ रही है नहीं तो सम्मान दी ना। मतलब यहाँ पर जिन्होंने सुविधा शुल्क दे दिया उनको उन किसानों को सम्मान निधि दे दी गई। हाँ। किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हैं आप? हाँ। ठीक है, देखिए जैसा कि इनका आरोप है कि यहाँ पर किसानों को जो सम्मान किसान सम्मान निधि की योजना आयोजित की जा रही है सरकार की ओर से, उसमें घपला हो रहा है। बहरहाल वो जांच का विषय, उस पर नहीं बात करेंगे। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आपका नाम? योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह जी, 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं और ऐसे में सभी पार्टियां पूरी तरह से सतर्क हो चुकी हैं, चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। क्या इस बार गठबंधन पर विश्वास जताएंगे या फिर से भारतीय जनता पार्टी का इस देश में परचम लहराने वाला है? हम तो जी, जो क्षेत्र का जो भी नेता आएगा, लोकल का नेता होगा और जाट समुदाय से होगा, उसे वोट करेंगे। लोकल का नेता आपकी नजर में कौन है जो दावेदारी कर रहा है यहाँ से मजबूती की? नेता है जैसे ये डॉक्टर सोरन है और जी राजेश कुमार चुन्नू है जी, ये दो नेता हमारे निगम। तो भाजपा के कैंडिडेट गिनाए आपने, गठबंधन की भी तो होंगे जो जाट समुदाय से? जो गठबंधन का आया उसे भी देखे, ऐसी बात ना है, गठबंधन से भी हमारा कोई बैर ना है, अच्छी पार्टी ये होगी। ये बताइए, आपके वर्तमान सांसद यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के हैं, गठबंधन से ही बने थे, क्या इस बार अगर यहाँ से गठबंधन उन पर विश्वास जताता है, क्या पुनः यहाँ से जीत सुनिश्चित कर पाएंगे? अपनी जीत नहीं होनेगी जी आपका। क्यों? विकास ही ना करा उन्होंने, कहीं आए ना हमारे गांव में पूरा, मतलब ऐसा मान के चलो 60-70 वोट हमारे यहाँ बिल्कुल जाट समुदाय है और 60-70 वोट दिए हैं उन्हें, आज तक हमारे गांव किसी भी आदमी ने चेहरा नहीं देखा उनका। लेकिन वो तो फिर से यहाँ से दोबारा से सांसद लड़ने का विरोध करेंगे जी उनका, पूरा विरोध क्यों करेंगे? जब आए ना, कोई विकास नहीं करा उन्होंने, तो क्या करेंगे उन्हें वोट देकर, क्या फायदा है ऐसे आदमी को? देखिए यहाँ से आपको बता दूं, वर्तमान में कुंवर दानिश अली सांसद यहाँ से हैं, बहुजन समाज पार्टी से यहाँ से उन्होंने अपनी जीत सुनिश्चित की थी, उनका विरोध इस गांव में देखने के लिए मिल रहा है। लोगों का आरोप है कि वह सांसद रहते अपने क्षेत्र में नहीं आए, ना गांवों की ओर देखा, ना विकास की हालचाल जाना, जनता जनार्दन की क्या समस्याएं हैं उनसे उनका कोई सरोकार नहीं रहा, दावे भले ही बड़े बड़े उन्होंने किए। जी, आपका नाम? मेरा नाम राजीव बेनीवाल। राजीव बेनीवाल जी, 9 साल से मोदी की सरकार सत्ता में है, केंद्र में है, विपक्ष बड़े बड़े दावा कर रहा है कि इस बार सुपड़ा साफ भाजपा का हो जाएगा, लेकिन भाजपा भी कम नहीं है, 365 प्लस का दावा कर रही है। ऐसे में 9 साल के मोदी के कार्यकाल से क्या संतुष्ट हैं? देखिए, मोदी जी के कार्यकाल से संतुष्ट सभी लोग हैं और काम भी ठीक कर रहे हैं, उनके तरीके भी काम करने के बढ़िया हैं, भ्रष्टाचार पर भी नकेल कसी है। और ये जो एनडीए की बात आप कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया के पास कोई मोदी के टक्कर का कोई चेहरा ऐसा नहीं है नेता जो अभी उनकी टक्कर ले सके। अभी सिर्फ मोदी जी ही छाए रहेंगे, अभी मोदी जी का समय है, जनता निर्भीक तरीके से जी रही है, अपने आप को आजाद महसूस कर रही है, कभी कांग्रेस के टाइम में आजाद महसूस नहीं करा जनता ने। अगर आपके क्षेत्र की बात करें, क्योंकि आज आपके क्षेत्र में नौगांव विधानसभा क्षेत्र में आज हमारी टीम आई हुई है, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसको अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने उसका निस्तारण नहीं किया है? हमारे जनता एक ही बात से ज्यादा परेशान रहती है कि जो भी नेता बनता है
जो आप सुन रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि हमें लोकल का नेता चाहिए, तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे जनता को यहाँ हमारा नेता बैठा हुआ नहीं मिलता। बाहर का कोई भी आता है, उसे टिकट देते हैं, वो जीत के चला जाता है, जनता को वो नहीं मिलता। तो जब वो नेता हमारा जनता के बीच नहीं रहेगा तो उसका कौन विकास करेगा, कौन ध्यान करेगा, कैसे उसकी देखरेख होगी? इसलिए सबसे बड़ी समस्या उन नेताओं से यही रही है कि उन्होंने जनता के बीच में दोबारा आने की कोशिश नहीं करी, एक जीतने के बाद सब गायब हो जाता है। अमरोहा लोकसभा क्षेत्र इस बार सांसद किसका रहेगा, गठबंधन की बीजेपी? देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। पिछली बार दानिश अली जी बने थे, बहुत बड़ा गठबंधन था, इस बार चांस बीजेपी का रहेगा। तो गठबंधन तो इस बार भी है? गठबंधन है, लेकिन गठबंधन में वो सब बात नहीं रहेगी, क्योंकि जब एक बार ठोकर लग जाती है आदमी को तो समय चेंज कर देता है। जो पहले वोट दिया था लोगों ने, जैसे दानिश अली जी को हम जाट समाज से हैं, हमने काफी अच्छा वोट दिया था, लेकिन उन्होंने काम ठीक नहीं करे, आए नहीं जनता में, तो हम वोट उनको नहीं देंगे ना, तो इसलिए परिवर्तन हो जाएगा। चलिए, इस बार अमरोहा लोकसभा क्षेत्र की आवाम, नौगांवा विधानसभा क्षेत्र की आवाम, नौगांवा विधानसभा क्षेत्र की आवाम, यहां के ग्रामीण परिवर्तन करने के मूड में है, चाह रहे हैं कि उनका जनप्रतिनिधि बदलना चाहिए, किसी और जनप्रतिनिधि पर वह अपना विश्वास जताना चाहती है यहाँ की आवाम। आगे बढ़ेंगे, आगे लोगों की राय जानेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम गुड्डू है। गुड्डू जी, ये बताइए, फिर से लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, आपको अपने जनप्रतिनिधि का चयन करना है, अपनी सरकार का चयन करना है, हम तो बीजेपी या एनडीए? भाजपा में रहेंगे, और भाजपा के ही हैं, और ये जो है भाजपा किसी वजह से ना जाने की है, ये पशुओं के चक्कर में जाएगी, ये गौ माता घूम रही है इनके चक्कर में गिरेगी, यानी गिरेगी नहीं है, ये बनेगी। ये छुट्टा पशु का आतंक बहुत ज्यादा हो रहा है, हाथ से बहुत हो रहा है, बस इसकी परेशानी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसका निस्तारण कैसे होगा? मिलती है रात को अपने घर सो में है, चोरी चकोरी सब बंद है, कोई दिक्कत ना है, बस हमारी तो यही समस्या है। देखा, जैसा कि कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार में अपराधों पर नियंत्रण रहा है, चोरी चकारी कम हुई है, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे योगी ने उनको जेलों में ठूस दिया या फिर एनकाउंटर उनका करा दिया गया, बहरहाल भाजपा मजबूत यहां दिखाई दे रही है। जी, आपका नाम? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह जी, 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, एनडीए पर विश्वास जताएंगे या फिर गठबंधन को वोट करेंगे? एनडीए पर विश्वास जताएंगे। एनडीए पर क्यों? अच्छे काम है, मोदी जी के अच्छे काम है सब सारे। कोई चार काम गिनाइए अच्छे। अच्छे काम, सम्मान निधि जी, और जो है अभी फिलहाल में जो है चंद्रमा पे जो है जीत हासिल करी है जी, चंद्रयान पे जाकर, और बहुत सारे काम है अच्छे, पहचान बना दी हिंदुस्तान की, नंबर एक का काम किया जी। वर्तमान में अमरोहा लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के सांसद कंवर सिंह तांवर, कंवर कुंवर दानिश अली जी यहां से सांसद हैं, क्या दोबारा यहां से सांसद बन पाएंगे? हम लोगों की यही चाहत है कि हमें काफी टाइम से हमारा जो है लोकल का कोई नेता नहीं मिल पाया, जिससे जन समस्या को जो सुना जा सके और उसका निवारण हो। लोकल का नेता होना चाहिए, कोई भी हो, उसे हम जो है सपोर्ट करेंगे। देखिए, ये मांग लगातार हर क्षेत्र में उठ रही है, लोगों का, मतदाताओं का यही कहना है कि उनका नेता, उनका विधायक, उनका एमपी क्षेत्रीय होना चाहिए, और क्योंकि ये अमरोहा लोकसभा क्षेत्र की बेहद बदनसीबी रही है कि जब भी उनका सांसद बनता है वो बाहर का व्यक्ति आता है और यहां के लोकल लोगों पर राज करता है, लेकिन अब यहां की जनता ऐसे बाहरी लोगों से पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है और अब वह किसी क्षेत्र पर ही दांव खेलेगी। राजनीतिक दलों को अब सोचना होगा, राजनीतिक दलों को अब विचार करना होगा, राजनीतिक दलों ने अगर प्रत्याशी चयन करने में सतर्कता नहीं बरती तो उनको घातक परिणाम सिद्ध हो सकते हैं, उनको यहां हार का सामना करना पड़ सकता है। आगे बात करेंगे, आगे भी अभी हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, आगे आ जाइएगा आप लोग, आप लोग आगे आइए जी, आगे आ जाइए आप लोग भी, आप लोग भी आगे आ जाइए जी। जी, आपका नाम? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जी, ये बताइए, आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? बहुत टाइम से रह रहे हैं। कितने साल हो गए लगभग? जन्म से यहाँ। जन्म से यहाँ। चलिए, जन्म से यहाँ। ये बताइए, जन्म से लेकर के अब तक आपको यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है, जिसको अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने उसका निस्तारण नहीं कराया? हमारे लिए यहाँ इन्होंने करा, मोदी जी ने, योगी जी ने। क्या क्या है? ये आराम से सो रहे हैं, बेफिक्र हैं, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है अभी, जिससे यहाँ के ग्रामीण जूझ रहे हैं? धोरे का हो तो फायदा रहता है उससे। नहीं नहीं, समस्या की बात कर रहा हूँ, परेशानी क्या है आपके गाँव की, यहाँ की सबसे बड़ी, जिससे यहाँ के लोग? पशुओं की है। देखिए, एक गंभीर समस्या इस क्षेत्र में है,
यहीं पर नहीं अन्य क्षेत्रों में भी देखी जा रही है कि यहां पर छोटा पशु देखे जा रहा है, जिसकी वजह से वह रास्ते में चल रहे छात्र छात्राओं को उनको वह हादसे का शिकार हो जाते हैं, उनको कुचल देते हैं, उनके सींग मार देते हैं। ऐसी घटनाएं लगातार हर क्षेत्र में हो रही है, इसी क्षेत्र की बात नहीं है। और छोटा पशु हाईवे पर खुले घूमने के कारण हादसे भी लगातार बढ़ रहे हैं। और बात करेंगे आपसे जी, चाचा आप आगे आइए ना, आप आ गई, आपकी मुझे बहुत अच्छी है जी। आपका नाम बताइएगा। नटूर सिंह। नटूर सिंह जी, 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, आपको अपना नेता चुनना है, आपको अपना सांसद चुनना है, अपनी सरकार बनानी है, कौन बेहतर रहेगा आपके लिए और इस देश की जनता के लिए? मुझे खेती बाड़ी में हटवाओ। किसको? ये गाय जो फिर हमारा, इन्हें हटवाओ जो सब कुछ खा लिए। अगर ये ना हटी तो ना हटी तो भैया फिर उसको देख लिया फिर तो ये खेती ठप्प हो रही है। जो भैया कहा था हम खेती घर पर लगा जंगल लगा में और गन्ने को रेट नहीं बढ़ो भाई, बच्चों की पढ़ाई है लिखाई है, गन्ने को रेट नहीं बढ़ो, हमको तो गन्ने खेती है, तो कोई बिजनेस थोड़ी हम पर। तो सरकार बदलनी चाहिए या यही रहनी चाहिए? सरकार भैया ना ना कहीं तो बदल देगी, ना सुनेगी तो बदलनी चाहिए। देखिए जो इनकी मांगे हैं कि गन्ने के रेट नहीं बढ़े, किसान परेशान है, किसान का उत्थान होना चाहिए, उसको गन्ने के सही रेट मिलने चाहिए, और जो छोटा पशु घूम रहे हैं उन पर जरूर सरकार को लगाम लगानी चाहिए। मैं आशिकीन कुरैशी फिर मिलूंगा आपके साथ नए लोकसभा के साथ, नए चुनावी मुद्दों के साथ, और तब तक आप देखते रहिए जीपीएन 7 न्यूज। अगर आप भी अपने क्षेत्र में जीपीएन 7 की टीम बुलाना चाहते हैं, अपनी आप भी अपने क्षेत्र में लाइव डिबेट कराना चाहते हैं, तो नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, हमारी टीम पहुंचेगी आप तक और आपकी बात को पहुंचाएगी शासन और प्रशासन तक और मिलेगा आपको न्याय। देखते रहिए जीपीएन 7 न्यूज, क्योंकि हम दिखाते हैं वही जो होता है सही।